देखिए, पजीराई की बात आपने कही ना, पजीराई तो होती है जब आर्टिस्ट परफॉर्म करके आता है, पजीराई होती है जब कोई काम होता है, पजीराई होती है, मगर उनको एक्सेप्ट तो करें आप, दे आर पार्ट ऑफ यू। वो एक्सेप्टेंस नहीं है, जब भी आर्टिस्ट का जो एंड होता है वो अच्छा नहीं होता। कभी कोई बीमार होकर मरता है, कभी कोई इलाज के पैसे नहीं है, कभी कोई चैरिटी हो जाती है एंड में, तो दिस इज़ बिकॉज एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। वी आर नॉट बीन एक्सेप्टेड एज अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी विच वी ऑल लिव इन। बहुत कम, तो यहाँ तो सबको, आपको नज़र आ रहा हूँ, मैं सबको नज़र आता हूँ, मगर यह कि टेलीविज़न में म्यूज़िक के प्रोग्राम बहुत कम हो गए हैं, तो कभी कभी वो सुबह सुबह बुला लेते हैं मॉर्निंग शोज वगैरह में, इवनिंग शोज में, उसमें नज़र आता हूँ कभी कभी। वो ज़माना ख़त्म हो गया जब वो पूरा प्रोग्राम करते थे, गाने बनाते थे, फिर गाने चलते थे, रिपीट होते थे, वो फिनिश हो गया। अब आर्टिस्ट पे है कि अगर उसके पास दम है, उसके पास दमड़ी है, माल है, वो खुद अपने गाने खुद बनाए और खुद अपने आप को खुद प्रोजेक्ट करे और खुद ही पोस्टर लगाए, खुद ही जो करते रहें जो, तो मगर ये मैं इस बात पे बिलीव करता हूँ कि मेरिट जो है, मेरिट में होना कि आपके पास अगर टैलेंट है, आपके पास आप काम जानते हैं, आपका काम अच्छा है, तो यू डोंट, ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट प्रेजेंट योरसेल्फ ताकि आप लोग आपको सुने। आप अपने मुंह में या मीठू वाला चक्कर मुझे नहीं पसंद है, वो अजीब लगता है इंसान, मतलब मैं अपने आप को झूठी तसल्ली देने वाली बात है। तो यह है कि बेसिकली आई रिक्वेस्ट पीपल ऑफ आई बिलवड फ्रेंड्स एंड फैंस एंड सीनियर्स एंड कोलीग्स के खुदा के लिए मैं भी आपकी तरह इंसान हूँ, और मैं आपकी तरह, यह नहीं कि अगर मैं ये काम कर रहा हूँ तो ये कोई बहुत ही अचंभा नहीं है कोई, मतलब वी डोंट लिव इन मार्स, वी लिव इन द अर्थ, प्लैनेट अर्थ। और ये कि दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग ट्रेड, मदर ऑफ ऑल द बिजनेस इन द वर्ल्ड। बड़े बड़े लोग जो हैं, हमारे हमसाए मुल्क देख लें, वो शो बिज इतना स्ट्रॉन्ग है जितना स्ट्रॉन्ग अरब लीग है जिनके पास तेल है। तो शो बिज इज़ अ वेरी गुड बिजनेस। अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकता बिकॉज ऑफ द, एक तो वैसे भी कोविड से पहले भी नीचे जा रहा था ये, अब तो कोविड की वजह से बहुत ही, मतलब किसी किस्म की तकरीब नहीं हो सकती, ना इनडोर ना आउटडोर, एंड टेलीविज़न पे जो हो रहा है आप देख रहे हो, करंट अफेयर में इतने वो बिजी हैं, दे डोंट केयर म्यूज़िक क्या खिलाऊँ, इट्स पार्ट ऑफ दी हिस्ट्री ना। भाई इंसान के पास अल्लाह ताला ने सबसे इंटेलिजेंट बींग बनाया है इंसान को, इंसान मरीख भी जा सकता है, मतलब आप देख लें इंसान क्या कुछ कर नहीं सकता। तो इंसान के पास कुछ ऐसे टैलेंट्स भी होते हैं जो गॉड गिफ्टेड होते हैं, जो वो खुद एक्वायर नहीं कर सकता, इज़ गिवन बाय गॉड। अब उसका काम है उसको सही प्रेजेंट करना, टू प्रेजेंट इट इन अ गुड मैनर, इन अ गुड व्हाट यू कॉल कवर और प्रेजेंट वट एवर गुड प्लेटफॉर्म उसको करें, उसमें कोई गलत चीज़, बेहुदा कलमात, फहश लिबास, ये सब गलत है। ये तो एक अजीब एक नाम इनको मिल गया है, प्रमोशन। प्रमोशन जो है ना वो इस पर नहीं आता है किसी के सर पे आप गाना थोपें। प्रमोशन का एक छोटा टीज़र बना दिया, टीज़र लगा दिया, अब गाना आपका अच्छा होना चाहिए, जब अच्छा होगा तो खुद चल पड़ेगा वो, तो बिकम फेमस। अगर अच्छा नहीं होगा दो तीन दफ़ा देख के लोग उसको रिजेक्ट कर देंगे, ये बहुत होता है। तो हमारे लोगों को चाहिए कि वो काम अपना पक्का करें। वंस यू आर सेटिस्फाइड योर सेल्फ, देन योर ऑडियंस विल बी सेटिस्फाइड ऑल्सो, दे विल बी हैप्पी। अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा, आप ये मान लें कि आपका आपकी आपका आर्टिकल या मेरा गाना या इनकी पेंटिंग, अगर इनको खुद को नहीं अच्छा लग रहा ना, अच्छा वो आवाम को कैसे अच्छा लगेगी। तो यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट अपने साथ, कि आप ये कोशिश करें कि मैं इस काम को बेहतर से बेहतर, मजबूत तर से और मजबूत बनाऊं, और फिर इसको मैं रिलीज करूँ। ये तो सभी कहते हैं पहले मिल जाना चाहिए, तो जाहिर है पहले मिल जाना चाहिए था, ज़्यादा अच्छा होता है। तो जब भी मिल गया, अच्छा मिल गया, और ये गवर्नमेंट में मुझे मिला, मुझे बहुत खुशी हो रही है। पिछले गवर्नमेंट्स में मैंने सुना है कि मुझे साइड पे करते थे, मेरी फाइल को हाथ नहीं लगाने देते थे, तो इस गवर्नमेंट ने जो किया तो अच्छा ही हो गया।
बहुत सारे गाने, मेरा अपना तो मुझे बहुत कम ही पसंद आता है। एक तो अल्लाह लकर भैया इसलिए अच्छा है कि वो डिफरेंट किस्म का काम है, फ्यूजन था फर्स्ट टाइम इस इंडो पार्क में, पहला फ्यूजन है वो, फ्यूजन ऑफ पॉप एंड फोक। उसमें जो ट्यून है वो अलन फ़कीर ने मुझे बताया था, बहुत पुराना, पता नहीं हो सकता है कई हज़ार साल पुराना ट्यून है वो, चलते चलते इस रहा है। एक तो वो अच्छा लगता है, फिर सोचता ये टिपिकल सॉन्ग था बहुत, ये मैंने गाया था, ये बहुत कम लोगों ने सुना है। और एक गाना है अपना मेरे फिल्म रास का, जो बाबुल बोस की मौसीकी में मैंने गाया, जब तक जाएं चाहेंगे तुमको हम, तो वो बहुत अच्छा है, डुएट सॉन्ग है अलका याग्निक, और मैंने गाया था, फिर यहाँ आके उसको सदफ इकबाल से भी गवाया, क्योंकि वो पॉलिसी का चक्कर था मेरा। तो कुछ मतलब कुछ गाने हैं जो अच्छे लगते हैं, मगर हमेशा सुन के ही होता कि मैं अगर इसको ऐसे गाता तो ज़्यादा अच्छा होता, ऐसे गाता तो ज़्यादा अच्छा होता। जब तक जाएं चाहेंगे तुमको हम, जब तक जाएं चाहेंगे तुमको हम, ओ बस इतना ही कहना है ऐ हमदम, ओ मर जाएंगे बिछड़े अगर तुमसे हम, ओ बस इतना ही कहना है ऐ हमदम, हो जब तक जा है चाहेंगे तुमको हम।